हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का जो दोस्तों क्लास होगा, आपको स्क्वायर का गजब का ट्रिक निकालने के लिए बताया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, हम बहुत ही शानदार तरीके से स्क्वायर निकालना बता रहे हैं आप लोग को। पहला हो जाएगा दोस्तों दो डिजिट में स्क्वायर निकालना, दो डिजिट में स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं तुरंत इसका हमें देख रहा है। पहला ले रहा है 32 का वर्ग निकालने के लिए, तो इसमें आपको तीन काम करना होगा दोस्तों। यदि तीन काम आप समझ गए तो आप किसी भी संख्या का वर्ग तुरंत निकाल सकते हैं। तो इस लाइन में क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट लाइन है दोस्तों, सबसे लास्ट वाले अंक होगा उसका हम वर्ग लिखेंगे। तो यहां सबसे लास्ट में दो है तो दो का वर्ग हम लिखेंगे चार। अब जो बीच वाली लाइन है दोस्तों, इसमें तीनों संख्याओं का गुणा करके लिखा जाता है, तीन दुना के छह दुना के बारह, लेकिन बारह में दो डिजिट हो जा रहे हैं तो बारह को दो हाथ में एक। आपका पहले जो संख्या लिख रहा है, जो पहली लाइन है उसमें पहले का वर्ग लिखते हैं, तीन का वर्ग नौ और नौ और एक हाथ में जो लगा था हासिल दस, यानी इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों 1024। यहां पर मान लीजिए आपको 37 का वर्ग निकालना हो तो आपको तीन काम करना होगा। लास्ट में जो आपको लाइन दिख रही है, लास्ट संख्या का वर्ग लिखेंगे तो सात का वर्ग 49, लेकिन 49 में केवल एक ही अंक लिखेंगे और आपका हाथ में हो जाएगा चार। अब जो बीच वाली लाइन होती है, तीनों का गुणा करके लिखा जाता है, तीन में सात का करेंगे 21 गुना 42 और चार हाथ में 46 हो जाएगा, और 46 को छह हाथ में आपका फिर चार हो जाएगा दोस्तों। पहले जो पहली लाइन दिख रही है, पहले का वर्ग लिखते हैं, तीन तिला के नौ और नौ और चार 13, यानी इसका वर्ग हो जाएगा 1369। अगला इसे दोस्तों ले लिया जाएगा आपका 87 का वर्ग। किसी भी संख्या को में वर्ग निकालना हो तो तीन लाइन आपको याद रखना होगा। अब जो सात दिख रहा है दोस्तों, सात का वर्ग हो जाएगा 49, लेकिन 49 को हम नौ लिखेंगे और कैरी कर देंगे चार, हासिल आपका हो जाएगा चार। इन तीनों संख्याओं को आप गुणा करेंगे तो 8 7 56 56 में दो का करेंगे 112 और हाथ में का चार, 116 को छह हाथ में लगा 11। अब जो पहली लाइन दिख रही है उसमें पहले का वर्ग कर दिया जाएगा तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 11 जोड़ेंगे तो 75, यानी 7500 आपका हो जाएगा 69। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी दो डिजिट में दिया अंक हो तो हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा जिसके लास्ट में पांच हो, जिसके लास्ट में पांच हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, तो ही आपको वर्ग निकालने समय पूरा आएगा। मान लीजिए इसमें आपका हो जाएगा 15, हम ले रहे हैं क्योंकि इसके लास्ट में दोस्तों पांच है, तो यहां पे क्या करेंगे कि आप पांच है तो पांच का जो वर्ग होता है 25, उसे हम पूरा लिख लेंगे, पांच का वर्ग 25 पूरा लिख लिया जाएगा दोस्तों। और यहां पे जो संख्या लिखेंगे, जो संख्या दिया है वो वाली संख्या और उससे केवल एक अगली संख्या, इन दोनों का आपस में गुणा करके लिखते हैं, और एक है तो एक की अगली संख्या दो, इसमें गुणा कर लेंगे तो आपका दो हो जाएगा, इसके यानी 15 का वर्ग 225। यदि मान लीजिए आप 35 का निकाल रहे हैं, इसके लास्ट में भी पांच है दोस्तों, तो यहां पे पांच का वर्ग लिख लेंगे 25, और यहां पे जो लिखेंगे, यहां पे तीन दिख रहा है और तीन की केवल एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे यहां पे, तो यहां पे चार, और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 12, तो 1225 35 का वर्ग निकल गया। ले लीजिए मान लीजिए 65 ले लीजिए, जिसके लास्ट में पांच हो तो यहां पे पांच का वर्ग लिख लिया जाएगा दोस्तों 25, और यहां पे छह संख्या दिख रही है तो छह जो है पहला वाला में छह, केवल उससे एक ज्यादा हम दोस्तों देखेंगे तो एक बढ़ाएंगे सात, तो आपका हो जाएगा इन दोनों का गुणा करेंगे 6 7 42, यानी 4225 आपका वर्ग होगा। मान लिया जाए 95 ले रहे हैं हम, इसके भी लास्ट में पांच है तो पांच का वर्ग आप तुरंत लिख लीजिएगा 25। अब आपका क्या करेंगे कि यहां पर नौ संख्या दिख रही है दोस्तों, नौ में केवल एक बढ़ा लेंगे 10, और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो 90 25 हो जाएगा,
95 का वर्ग, इस तरह जिसके लास्ट में 5 होगा दोस्तों हमका उसका वर्ग निकालेंगे। देखिएगा तीसरा टॉपिक अगला हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों जब संख्या 50 के नजदीक हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। वो तो आपका पहला मेथड हो जाएगा, यह मान लीजिए जब संख्या आपका 50 के नजदीक हो आसपास हो तो हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो आप ले लीजिए 50 के नजदीक संख्या आपका हो जाएगा 49, ये सब आपके नजदीक है तो 49 मान लीजिए। आप क्या करेंगे इसमें बेस आपका दोस्तों हो जाएगा, बेस आप 25 मान लेंगे। यही आपको समझना है दोस्तों, जब संख्या 50 हो तो उसके लिए हमें बेस मानना होगा 25, इतना जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि 50 से केवल एक कम है तो हम जितना कम होगा उसका हम वर्ग लिख लेंगे, और एक कम है तो एक का वर्ग आपका एक होगा लेकिन हम इसे दो अंकों में लिखेंगे दोस्तों हमेशा, तो 0 हो गया। अब 50 से केवल एक कम है तो 25 में केवल एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा 24, यानी इसका वर्ग 2401। इसी प्रकार से मान लीजिए 47 ले लीजिए तो यहां पे क्या करना है कि 50 से 3 कम है दोस्तों, तो 3 कम है तो 3 का वर्ग यहां पे लिख लेंगे 9, लेकिन इसे हमें दो अंकों में लिखना है 09। अब देखना है दोस्तों 50 से 3 कम था तो 25 में से 3 घटा लेंगे 22, आपका बेस मान चुका है 25। अगला संख्या मान लीजिए ले रहे हैं हम 43, इसका वर्ग करेंगे तो 50 से 7 कम है दोस्तों, तो 7 का हमें वर्ग निकालना होगा 49, 7 का वर्ग कर देंगे 49 होगा। अब देखेंगे 50 से 7 कम था तो 25 में से 7 कम करेंगे तो 18, आपका ये हो जाएगा 1849 इसका वर्ग। यदि मान लीजिए आप 41 ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा दोस्तों ये 9 कम है 50 से, तो जब 9 कम होगा आपका तो आप 9 का वर्ग कर देंगे 81। अब यहां पे 9 कम है तो 25 में 9 कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16, तो 16 से 81 41 का वर्ग हो गया। यानी जब संख्या दोस्तों 50 के नजदीक हो तो हम वर्ग इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगला देखिएगा, अगला मान लीजिए यहां पे जब संख्या 50 के नजदीक हो सकता है वहां पे 52 हो, तो यहां पे देखेंगे कितना ज्यादा 50 से, तो 2 ज्यादा है तो 2 का हमें वर्ग लिखना है तो आपका हो जाएगा 4, तो हम 04 लिखेंगे, दो अंकों में लिखेंगे दोस्तों। और 50 से 2 ज्यादा था तो 25 में इस बार जोड़ेंगे, ज्यादा होगा तो उतना जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 2704। यदि मान लीजिए आपका ले रहे हैं 56 का, तो हम देखेंगे 50 से 6 ज्यादा था तो 6 का वर्ग लिखेंगे दोस्तों 36। अब 50 में 6 ज्यादा था तो 25 में 6 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 31, 25 में 6 जोड़ेंगे 31। यदि हम मान ले रहे हैं दोस्तों आपका 59 का निकालना हो, 59 का निकालना हो तो आप 9 का, यहां 9 ज्यादा है तो 9 का वर्ग करेंगे 81, और 9 ज्यादा है तो 25 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, यानी 59 का वर्ग 3481। इस प्रकार से दोस्तों जब संख्या 50 के आसपास हो या ज्यादा करीब हो तो हम इस तरह इसका वर्ग निकालेंगे। अगला देखिएगा टॉपिक, अगला हो जाएगा दोस्तों कि जब संख्या 100 के करीब हो या नजदीक हो तो आपका स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक हो जाएगा। मिलाइएगा दोस्तों, जब संख्या 100 के आपके करीब हो तो इसमें मान ले रहे हैं हम 99 का वर्ग, यहां पे देखेंगे दोस्तों 100 से कितना कम है तो 100 से आपका केवल एक कम है तो एक का वर्ग लिख लेंगे और उसे दो डिजिट में लिखेंगे, एक का वर्ग एक होता है इसे हम दो डिजिट बनाकर लिख लेंगे। अब जितना कम है इसी संख्या में कम करेंगे, 100 में से नहीं कम करना है, आपको जो संख्या दिया है उसी संख्या में से हम कम करेंगे। 100 से एक कम है तो 99 में एक कम कर लीजिए, आपका हो जाएगा 98। चलिए नहीं समझ आया तो अगली संख्या देखिए, यदि हम मान ले रहे हैं आपका 97,
तो देखेंगे दोस्तों 100 से 3 कम है, तो 3 का वर्ग लिखेंगे 9, दो अंकों में लिखना है, 9 होता है, हमें दो डिजिट में लिखना है। अब आपको 97, अभी 97 में से 3 कम करना है, यानी कि जो संख्या दिया रहेगा उसमें से हमें कम करना है दोस्तों, तो 97 में से 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा आपका 94। अगला ले लीजिए, मान लीजिए आप ले रहे हैं 92, तो 92 का वर्ग करेंगे तो यहां कितना कम है 8, तो 8 कम है तो 8 का वर्ग 64, जितना कम होगा उसका वर्ग करेंगे। अब आप क्या करेंगे कि यहां 92 में से 8 घटाएंगे, यानी जो संख्या दिया रहेगा 100 से उतनी कम रहेगी उसमें से घटाना है, तो आपका हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4 और यहां पे हो जाएगा 8, 84 से 64। इस प्रकार से दोस्तों जब 100 संख्या के करीब हो तब हम निकालेंगे, मान ले रहे हैं कि 100 से ज्यादा हो, जब संख्या आपका 100 से ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए 103 का वर्ग निकालना हो, तो आप देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग करेंगे 9, लेकिन इसे दो डिजिट में लिखा जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा कि जो संख्या दिया उसमें जितना ज्यादा रहेगा 100 उसी में हम जोड़ेंगे, 103 है, 100 से 3 ज्यादा था तो हम ये 3 जोड़ेंगे तो 106, ये नहीं कि आप 100 में जोड़ देंगे, मान लीजिए नहीं समझ में आया तो आप ले लीजिए 108। देखेंगे दोस्तों 100 से 8 ज्यादा है तो 8 का वर्ग कर देंगे 64, दो डिजिट में हो ही रहा है हम लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि 108 है, 100 से 8 ज्यादा था तो 8 ही वाला जोड़ देंगे तो 116। मान लीजिए आप ले रहे हैं 113 का वर्ग, तो अब आपका हो जाएगा लास्ट में आप देखेंगे 13, तो 13 का जो वर्ग होगा दोस्तों, यहां 13 ज्यादा है तो 13 का जो वर्ग होगा, 13 ज्यादा है तो 13 का वर्ग होगा 169, तो हम केवल 69 लिखेंगे और हाथ में आपका 1 हो गया, क्योंकि हमें दो ही डिजिट लिखना है, और 113 में 13 जोड़ेंगे 126 और हाथ में का 1 127। इस प्रकार से दोस्तों जब 100 संख्या के करीब हो तब हम वर्ग निकालेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जब संख्या में केवल 1 हो, केवल 1 हो, तब इस बार कैसे निकाला जाएगा, इसमें क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए यहां पे 11 का वर्ग निकालना है, तो पहले ट्रिक समझ लीजिएगा, इसमें क्या करना है कि 2 1 है तो इसमें हमें 2 तक अंक लिखेंगे, 1 2, अब 2 से जितने पीछे हैं, जितने अंक पीछे होते हैं सबको लिख लेंगे, तो 2 से पीछे केवल 1 ही अंक होता है तो हम 1 लिख लेंगे, 11 का वर्ग 121। इसी प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए आपका 3 1 है तो इसमें हमें क्या करना है कि 3 1 है तो 3 तक लिखेंगे, 1 2 3, 3 तक अंकों को लिख लेंगे, और 3 से जितने पीछे अंक है उसको भी लिख लिया जाएगा, 3 से पीछे 2 और 1 होता है इसे भी लिख लिया जाएगा दोस्तों। मान ले रहे हैं हम इसमें 5 1 है, इसका वर्ग निकालना है तो हम 5 तक संख्याओं को लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 से जितने भी पीछे अंक होते हैं 4 3 2 1 सबको लिख लेंगे, इसका वर्ग हो गया।